YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में DigiPay न्यू अपडेटिंग ऐप का पासबुक कैसे चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि CSE से रिलेटेड नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, नए नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, आपको DigiPay न्यू अपडेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है पासबुक और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो दोस्तों, पहले मैं पासबुक पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं क्या दिखता है। पासबुक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, आप जो भी पे आउट करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी आपको कमीशन मिलेगा, यहाँ सारा आपको देखने को मिलेगा पासबुक में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये सारा आपका ट्रांजैक्शन दिखेगा, आपका कितना कमीशन है, कितना आप विड्रॉ किए हैं, कितना पे आउट किए हैं, कितना सेटलमेंट किए हैं, ये सभी देखने को मिलेगा। उसके बाद बैक जाएंगे, उसके बाद दोस्तों, यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है विड्रॉ का। यहाँ जो भी विड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए देखने को मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों, आपका डिपॉजिट का, डिपॉजिट पे जो भी डिपॉजिट करेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है वॉलेट रिचार्ज, आप जो भी वॉलेट रिचार्ज करेंगे यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद है पे आउट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पे आउट किया हूँ, जो कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं 2700 का पे आउट किया हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप DigiPay न्यू अपडेटिंग ऐप में पासबुक को चेक कर पाएंगे और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को इस प्रकार से चेक कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। CSE से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।